डिजिटल एजेंसी में अगर जॉब लेना तो किस तरीके से मिलेगा? आप जॉब लेने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एजेंसी वाले आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहते होंगे पर आपको जॉब चाहिए, और दूसरी कंडीशन ऐसी होगी कि एजेंसी वाले आपको बिल्कुल लेना चाहते होंगे और आप चूज करोगे कि कौन सी एजेंसी में जाना है, और ये दोनों कंडीशन में बहुत कम डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये कंडीशन आएगी, ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस में आ जाती है। एक एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जॉब का, आप ही की तरह एक मेरा स्टूडेंट है अभी भी यूडीमी से, उसने पढ़ाई किया और बेसिकली वो दूसरी फील्ड से था, उसने यूडीमी से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मेरे कांटेक्ट में था, तो उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई कि सर अब क्या करें, तो हमने ढूंढा कि भाई कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए जो तुझे कम से कम फ्री में ही रख ले, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर पैसे देगा तो आपसे 17 सवाल पूछेगा, और 17 सवाल पूछेगा तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 17 सवालों के तो जवाब नहीं पता होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत जरूर पता होंगे लेकिन शायद वो उनको इतने सेटिस्फैक्टरी ना लगे कि वो आपको उसके पैसे दे। ये मतलब मैं इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कुछ तो आता होगा, है ना, मतलब अगर आप उनके थोड़े भी काम के बन जाओ और उनसे बोलो कि फ्री, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रख लेते हैं, ठीक है, फ्री के केस में रख लेते हैं, वो फ्री वाले केस में है ना थोड़ी आपको दिक्कत परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन फ्री वाला आदमी भी वही सस्टेन कर पाता है जिसको सीखने की चाहत रहती है और जिसको थोड़ा आता है, क्योंकि एजेंसी वाले ऐसा भी नहीं चाहते कि कोई आदमी एकदम बददिमाग मतलब आके हमारे यहाँ बैठे और हमारा काम उल्टा बिगाड़े, ऐसा कोई नहीं चाहता, ठीक है, लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा समझदार, मतलब एजेंसी वाले के अंदर पता कैसी इच्छा रहती है कि ये समझदार है लेकिन मैं इसको ऐसा बताऊंगा ही नहीं कि ये समझदार है और मैं इससे फायदा उठा लूंगा, तो क्या रहेगा कि मेरा भी काम हो जाएगा और इसको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि तू बहुत अच्छा काम करता है तो वो बोलेगा सर मेरे को थोड़े पैसे तो दो, तो पैसे तो कोई देने ही नहीं चाहता, जब वैसे ही अगर आप बिगनर हो तो वैसे ही लोग पैसे ऐसे की बात में पीछे हटते हैं, तो वो चाहेगा कि तुम भी अपने आप को मूर्ख मानो और वो भी तुमको मूर्ख कहेगा और तुमसे काम करवाएगा और तुम काम कर लोगे। तो इसी कंडीशन से एक लड़के ने स्टार्ट किया था, एक एजेंसी में जाके उसने काम शुरू किया फ्री में, एजेंसी वाले ने देखा कि ये समझदार है तो उसके ऊपर काम बढ़ाता गया, उसने बोला हाँ हाँ सर, मतलब बिल्कुल ऐसे बने रहो कि नहीं सर हम तो बिल्कुल काम करने के लिए पैदा हुए हैं और हम इतने मूर्ख है कि हम आपसे पैसे की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई आपको क्लाइंट मिल जाए जो पैसा लगाए, ठीक है, और उसका एड चलाने को आपको मिले, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अगर खुद जाके किसी को अप्रोच करोगे तो वो बोलेगा भाई तेरे को कितने साल का अनुभव है जो मैं तेरे भरोसे पैसा लगाऊं और अपनी कंपनी का पैसा मैं तेरे साथ लगवाऊं और ये उम्मीद करूं कि मुझे फायदा होगा, तो डायरेक्टली आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जब एजेंसी के अंदर होते हो, ठीक है, तो एजेंसी के अंदर आप फिर कितने ही कम जानते हो, एजेंसी वाला आपको हैंडओवर कर सकता है, क्लाइंट का भी आपको डायरेक्ट हैंडओवर नहीं करेगा कि ये मेरा पैसा ये मेरा अकाउंट ले तू चला, वो तो आपको एनालाइज करेगा कि भाई तुम्हें कितना आता है, एजेंसी वाला इसलिए कर देगा क्योंकि एजेंसी को तो फायदा हो रहा है, वो फ्री में आप फ्री है, फ्री में आप उसके यहाँ बैठे हो आपका कुछ काम कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत इतना जानता है कि भाई मैं तेरे को आधा एक घंटा बता दूंगा तो मेरा थोड़ा तो काम कर ही देगा, भले तू मेरा एड बहुत अच्छा नहीं चला पाएगा लेकिन तू कम से कम एड क्रिएट तो कर देगा, जब तू ऐड क्रिएट कर देगा तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज तो मैं खुद ही कर लूंगा, ऐसा एजेंसी वाले सोच लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो किसी भी नौसिखिए को या बिगनर को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। अब होता क्या है, अब ये होता है कि जैसे ही महीना भर हुआ, 2 महीना हुआ या 2.5 महीना हुआ, 2.5 महीना तो बहुत है, 2 महीना भी हुआ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने काम में, क्योंकि आप अब एजेंसी में थे, आपने देख लिया कि एजेंसी वाले के यहाँ जो क्लाइंट 1 लाख रुपए महीने का दे रहा है उसका काम कैसे करना है, जो क्लाइंट 50,000 रुपए दे रहा है उसके लिए एजेंसी क्या कर रही है 2 लाख, मतलब आप पूरा जान जाते हो यार इतना सारा काम तो मैं मतलब कर ही सकता हूँ, बस ये एजेंसी वाले हैं
मैं अकेला जाता हूँ तो लोग मेरे को भाव नहीं देते, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि 1-2 लाख रुपए वाले क्लाइंट के लिए भी क्या करना रहता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आप इस एजेंसी में जब बोलोगे कि सर मेरी थोड़ी सैलरी वगैरह कुछ कर देते फ्री से, कम से कम 5-10 हजार रुपए तो कर देते, तो अब वो है ना थोड़ा सा नाटक करेगा। अब वो नाटक करेगा तो आप सोचेगा, वो भी सोचेगा कि यार इसको सही में तो आने लग गया, आप थोड़ा बहुत ये छोड़ के ना चला जाए, तो इसको मैं थोड़े थोड़े बहुत पैसे दे के अटकाए लेता हूँ। तो वो जो थोड़े बहुत पैसे आपको मिलेंगे, वो थोड़े बहुत पैसे में आप अटक तो सकते हो, लेकिन मीन वाइल अब आप ढूंढ रहे होगे दूसरी एजेंसी जहां पे आपको थोड़े से ज्यादा पैसे मिल जाए। अब क्वेश्चन ये है कि दूसरी एजेंसी भी आप तभी स्विच कर सकते हो जब आपको पहली एजेंसी कुछ पैसे दे रही हो, समझ रहे हो? आपको एड्स कितना चलाते आ रहा है ये बहुत कम मायने रखता है। जैसे ही आप दूसरी जॉब में जाते हो तो दूसरी जॉब वाले का पहला कंसर्न रहता है कि तेरे को इससे पहले वाली जॉब में कितना रुपए देते थे। ठीक है, इससे पहले वाली जॉब में तेरे को जितना रुपए देते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा हम तुझे दे देंगे और तू हमारे आ जा। पहले तो थोड़ा बहुत पूछताछ आपसे करेंगे कि भाई तेरे को कुछ नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज आपको मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 50,000 रुपए महीने का नॉलेज है तो हम आपको 50,000 रुपए दे देंगे। कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि आदमी तो यही चाहता है ना फायदा मैं कहाँ से निकालूं। तो वो ये कोशिश करेगा कि भाई तेरी पुरानी सैलरी अगर 5,000 थी तो मैं तेरे को 8,000 रुपए दे देता हूँ। ठीक है, और पुराना वाला जो रहेगा वो आपको 5,000 के 8,000 करना नहीं चाहेगा, इसलिए वो आपको खोदेगा वहां से और आप 5,000 के 8,000 में अगली एजेंसी में आ जाओगे। पर एजेंसी वाले ये नहीं जानते कि फिर 1-1.5-2 महीने बाद आप फिर ऐसे ही काम करोगे और उसके यहाँ से भी छोड़ के चले जाओगे। तो आपको यही करना है, फिर आप 8-10 हजार रुपए की एजेंसी में आ गए, फिर आपको एक दूसरी एजेंसी मिली, दूसरे लोग मिले, एनवायरमेंट मिला, और आपने देखा कि जो यहाँ पे 20-25 हजार रुपए कमा रहा है वो आदमी क्या काम कर रहा है, और एजेंसी वाले अगर किसी क्लाइंट से 20-25 हजार रुपए महीने का ले रहे हैं तो वो लोग क्या काम करके दे रहे हैं उसको 1-1.5-2 महीने में, आपको ये सब समझ में आ जाता है। ठीक है, एक समझदार आदमी को अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या क्या होता है। फिर आप वापस से स्विच के लिए अप्लाई कर दो, फिर दूसरी एजेंसी ढूंढो। और आजकल तो सबसे अच्छी बात ये है कि अब एजेंसी जरूरी नहीं है कि आपके शहर में हो तो ही आप अप्लाई करोगे। अब तो भैया बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, और ये डिजिटल मार्केटिंग में तो ज्यादा लोड ही नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग तो पूरी ऑनलाइन है वही जर्नी में। लेकिन शुरुआत ऐसे ही होगी, लोग है ना ट्रस्ट नहीं करना चाहते आपके ऊपर क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और जैसे ही आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर लोग ज्यादा एक्सपीरियंस की बात नहीं करते, फिर लोग बात करते पुरानी सैलरी कितनी थी। ठीक है, और फिर बहुत ही जल्दी ये स्टेज आ जाती है जब आपको पता चल जाता है कि मैं ऐड वगैरह चला लेता हूँ, मैं रिजल्ट लेके आ जाता हूँ, तो फिर एजेंसी जब आप छोड़ते तो एजेंसी वाला बोलता है यार तू छोड़ के मत जा, तेरे को कितनी सैलरी चाहिए, ये क्वेश्चन आने में ज्यादा दिन नहीं लगते, बहुत से बहुत 6 महीने में भी आ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल के बाद आपसे लोग ऐसे ही पूछते हैं कि भैया तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हारे को कितनी सैलरी चाहिए। फिर तो बाद में तो आपकी 15-15-20-20 हजार रुपए सैलरी बढ़ती है कि एक ही स्विच पे, लेकिन शुरू में नाटक रहता है। लाइक सपोज करो मैं XYZ कंपनी में अप्लाई करता हूँ तो ये कैसे पता चलता है कि वो डिजिटल एजेंसी है? कोई कीवर्ड लाइक कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हो जिस वजह से हमें पता चलता हो कि ये डिजिटल एजेंसी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कैसे अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप डिजिटल एजेंसी मत ढूंढो, अगर आप अपने शहर का इंक्वायरी कर रहे हो, वैसे आप गूगल पे लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी तो आपको आपके शहर की गूगल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां मिल जाएंगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां तो खुद भी चाह रही हैं कि कोई अगर मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है तो उसको हम मिल जाए। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन कहीं अप्लाई करते हो तो जो ऑनलाइन जॉब वाले फॉरम रहते हो उस पर आप अपने आप को ऐसा बोलो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अप्लाइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली एजेंसी वालों की तरफ से आएंगे इनविटेशन। अब सर जी, मैं अपने खुद के लिए ऐड चलाता हूँ, जैसे गूगल आपके कोर्स को सीख के मैंने। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो उसमें गूगल एडवर्ड्स में ऐड क्रिएट करके प्रॉपर चला भी रहा हूँ, उसमें रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो प्रॉपर रिस्पांस के लिए क्या क्या और मैं ऐसे टिप्स जिसको मैं और कर सकूँ? जितना मैंने आपका उसमें देखा मैंने कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती की है, पर फिर भी उसको समझ में नहीं आ पा रहा। जितेंद्र। अच्छा, जितेंद्र भदौरिया। ओके जी जी जी। हाँ, तो आपका सॉफ्टवेयर का काम है, तो आपने कौन से टाइप का ऐड चलाया है?
जो एड चलाया है मैंने, किस टाइप से पूछ रहा हूँ? मतलब आपने गूगल में ऐड चलाया, तो हाँ, क्या गूगल ऐड एड, चलाया? सॉरी, सर्च ऐड गूगल चलाया? एडवर्ड्स, सर्च एड चलाया, सर्च एड सर्च ऐड चलाया? जी। तो सर्च ऐड चलाया तो उसमें आपका CTR वगैरह कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, CTR भी आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो जो पार्टनर साइट से इम्प्रेशन बहुत आ गए हैं, क्लिक्स कम आ रहे थे, फिर बाद में पार्टनर साइट्स को मैंने रिमूव करके पर्टिकुलर उस पे कर दिया था एड पे, बट उसके बाद क्लिक आ रहे हैं, क्लिक उसके बाद भी बहुत ज्यादा इम्प्रेशन और क्लिक नहीं मिल पा रहे मुझे। कीवर्ड्स पर मैंने आज बहुत सारे कीवर्ड्स भी फाउंड आउट किए जो आपके आपने बताया था, पर मैक्सिमम कीवर्ड डाल रहे हैं, तो आप देखते हैं 2 दिन में क्या रिस्पॉन्स मिलता है रिलेटिव कीवर्ड्स। देखो, इसमें क्वालिटी स्कोर वगैरह का डिस्कशन है कोर्स में, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, सामने वाला क्या ढूंढ रहा है और आपने अपने ऐड में क्या लिखा है, वो दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। और सामने ठीक वाला, आपने जो कीवर्ड लिखा है, जैसे कि सामने वाला अगर ढूंढ रहा है नाइक शू, 6 नंबर का नाइक शू, ठीक है, रनिंग के लिए, तो अब जी अगर आपने रनिंग नाइक शू लिखा है तो आपका एड उसको दिखेगा, रनिंग जी नाइक शू कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो, रिलेवेंसी है, ठीक है। फिर ये चलो इतनी चीजें हो गई, फिर इसके बाद अगर वो एड क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वहां पे भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसे ही शब्द या ऐसी बातें नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट ठीक रहनी चाहिए, उस पर यही सब चीजें लिखा होना चाहिए। इसमें साथ में ये भी डिपेंड करता है कि अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो अगर वो ज्यादा अच्छा ऐड चला रहे होंगे तो आपका ऐड भी नहीं चलेगा तो भी, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटर्स हैं, मैंने आज कॉम्पिटिटर का थोड़ा सा रिव्यू भी किया रहा था, क्या उनके साइट पे किस तरीके से कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, रिसर्च किया था, कुछ कीवर्ड्स ऐड किए, उन पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो आप हेलो बहुत बहुत ज्यादा कीवर्ड्स जितेंद्र, पे काम मत करो, 1 मिनट इनका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पे काम मत करो, आपका जो सोल्यूशन आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो जी आपको क्लियर होना चाहिए, और उस सोल्यूशन के लिए वो जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया होगा उसमें से सटीक निकालो कि जो आदमी जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस आदमी का आप परफेक्ट सोल्यूशन बन रहे हो, ठीक है। उन कीवर्ड्स को टारगेट करो, जैसे कि अगर बहुत ही शार्प जाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर सामने कीवर्ड रिसर्च में भी हमको ये मिल गया कि ना स्पोर्ट्स या रनिंग नाइक शू 7 7 नंबर का, तो जब ओके हमको क्लियरिटी नहीं है तो हम डायरेक्ट इसी कीवर्ड के ऊपर टारगेट करें, तो इससे क्या होगा कि हमको ओके कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, है ना। अब ठीक आपका ऐड कम से कम उसी आदमी को दिखाया जाएगा जिसने एग्जैक्टली वही चीज सर्च करी है, ठीक है। अब वही चीज सर्च करी तो इसके लिए क्या आपका ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझते हुए इस्तेमाल करना है। फ्रेज मैच में आपका काम हो अभी जाएगा तो वैसे। मैंने ब्रॉड मैच करके देखा, अभी फेस मैच मैंने लगाया है कुछ थोड़ा सा। देखो, ब्रॉड मैच में तो जनरली कभी भी ऐड नहीं चलाना चाहिए। ब्रॉड मैच गूगल ने इस तरीके से बनाया है कि आम आदमी अगर ऐड चलाएगा तो ब्रॉड मैच का ही ऐड चलेगा। वो ऐसा इसलिए किया है उसने ताकि आदमी को लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गूगल के पास पैसा आए, जबकि ब्रॉड मैच तो बहुत ओके समझदार लोग भी बहुत कम ही चलाते हैं, अधिकतर लोग फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच पे ही काम करते हैं, है ना। तो ब्रॉड मैच में आप ठीक अब देखो आपका ऐड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें एक और चीज होती है कि हम सर्च सर्च क्वेरी क्या थी लोगों की, है ना, उसमें एक बटन रहती है, ठीक है, ठीक उस पे जाके हम देखें कि सामने वाले ने क्या सर्च किया था जो उसको हमारा ऐड दिखाया गया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा ठीक है ब्लंडर हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, शायद मैंने कोर्स में ही बताया, एक बार मैं एक एजेंसी का, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड चला रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एक एग्जाम की तैयारी करवाता था, उस एग्जाम का नाम था गेट, GATE गेट, ठीक है, इंजीनियरिंग वालों की एग्जाम होती है मास्टर्स लेवल पे। जब हम उसका ऐड चलाते थे और ब्रॉड मैच में चल जाता था तो वो उन लोगों को दिखता था जो लोग कोई एड्रेस सर्च कर रहे हैं और एड्रेस में गेट का नाम लिखा है, जैसे लाल गेट के पास तिलवारा रोड, ठीक है, उन लोगों को अपना ऐड दिख रहा है। तब तो यहाँ पे तो कोई संबंध है ही नहीं एग्जाम का उस एड्रेस सर्च करने वाले से, लेकिन वो जो ब्रॉड मैच के कारण क्या वो गेट वाला शब्द यहाँ पे पोटअप हो गया। इसलिए जब हम करेक्ट फ्रेज मैच करते हैं
तो फ्रेज मैच में जैसे कि अगर कोई सर्च कर रहा है रनिंग शू नाइकी 7 इंच, तो अपन ने अगर फ्रेज में ऐसा ही कोई कीवर्ड लिखा है तो गूगल कोशिश करेगा कम से कम ये 4 वर्ड तो आ ही जाए, उसमें शू भी आ जाए, नाइक भी आ जाए, रनिंग भी आ जाए। तो इतने सारे वर्ड अगर आ ही जाएंगे, आगे पीछे भी आएंगे, तो उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि वो कोई फालतू क्वेरी हुई है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज देखो, गूगल एड्स में बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली रहती है। अगर आपने अभी अभी एड चलाना शुरू किया है तो वो अच्छा चल जाए तो ये सिर्फ किस्मत की बात है, वो बुरा ही चलेगा है ना। लेकिन उसको हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसमें हमको हर लेवल पे जाके उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, तभी हमारा ऐड अच्छा चलता है। और वो चीजें सीखने वाली है, देखो जैसे अपन कार चलाना सीखते हैं, कार चलाने में तो कितनी सी चीजें रहती हैं, एक एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, और गियर है, और स्टेयरिंग है, 4 चीज रहती तो भी आदमी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कार ढंग से चलाना सीखता है। ठीक है, गूगल में ऐसी बहुत सारी चीजें, ऑप्शन इनसाइट भी है, सर्च क्वेरी भी है, रिलेवेंसी भी है, क्वालिटी स्कोर भी है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अपना बजट भी मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें में प्रैक्टिस लगता है। और प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि हर दिन जब ऐड चलेगा आपका पैसा खर्च होएगा, तो आपको कुछ डेटा दिखेंगे, कुछ मैट्रिक्स दिखेंगे, और वो मैट्रिक्स को समझ के आपको हर रोज ऐड में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। वो ऐड में इम्प्रूवमेंट करोगे तो वही आपकी प्रैक्टिस है, और उसी इम्प्रूवमेंट से आप सीख जाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ सर्च ऐड के बारे में, यही कहानी दूसरे एडों में बदल जाती है। नहीं, फिलहाल तो मेरा सर्च ऐड ही चला रहा हूँ, लीड्स के लिए मुझे सर्च ऐड ही चलाना है, तो उसी पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, और देखो लीड्स के लिए आप चला रहे हो, पैसा खर्च होता है, तो आप वेबसाइट पे भी ध्यान देना कि वेबसाइट पे आके वो आदमी को क्लियर मैसेज मिले और वो लीड दे पाए। ओके, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आपको खुद से ये भी पूछना चाहिए कि अगर कोई वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पे एड को क्लिक करके आ भी गया तो भी उसने लीड क्यों नहीं दी, क्योंकि अब तो आपने 20 रुपए दिए हैं गूगल को, और गूगल ने 20 रुपए आपसे लेके, उदाहरण के तौर पे 20 रुपए आपसे लेके उसने एक आदमी को आपकी वेबसाइट पे पहुंचा दिया, उसके बाद भी अगर आप उससे लीड नहीं ले पाए तो फिर तो गड़बड़ है। ये तो वही बात है कि कोई आपके रेस्टोरेंट पे आया, मेन्यू देखा, बैठा, पानी पिया और चला गया, तो अब तो कहीं हम में कमी रह गई थी क्योंकि सामने वाला तो भूखा ही था। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ रजनीश बोलिए। सर आपसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी, वो फेसबुक एड से रिलेटेड जो पेमेंट वाला था, तो उसमें सर ये पूछना था, थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि मैं अभी मैं जैसे कोर्स तो कंप्लीट किया हूँ लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पेमेंट है उसमें SBI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेता है कि नहीं? देखो, आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर डालोगे तो वो खुद ही बता देगा कि ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। अगर वो बोल रहा है कि दिस कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड, तो आपको कार्ड बदलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। और यहाँ पे सर एक सिनेरियो ये बन रहा है कि जरूरी ऐसा भी नहीं है कि SBI का कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपके कार्ड के अंदर वैसे ट्रांजेक्शन चालू ना हो जो उसको चाहिए, इसलिए वो कार्ड को वो कर सकता है डिसअप्रूव। और सर यहाँ पे थोड़ा सी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पहले तो फेसबुक ऐड में 3 रुपया कटता है, तो वो हमारा जैसे कट गया है, फिर उसके बाद जो मैं आपको बताया था कि उसमें कार्ड अटैच नहीं हो रहा है, मतलब कि, तो मैंने सोचा कि मतलब कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने देखा कि अभी तो जो ट्रांजेक्शन वाला आप बता रहे हैं कि वो ट्रांजेक्शन वाला अभी ऑन नहीं है, तो इस वजह से मैं सोचा कि शायद हो सकता है, तो 2-3 दिन बाद अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो हो सकता है वो मेरा डेबिट कार्ड ले जाए। रजनीश भाई, सबसे बढ़िया ये है कि UPI से चलाओ, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर एक बार ऐड कर दिया तो दोबारा आप UPI में तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्रेडिट कार्ड में UPI पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो भाई UPI पेमेंट आप 3-4 महीने वो कंटिन्यू ऐड चलाओगे ना तो UPI का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सॉरी, लेकिन ऐड तो तब चलेगा ना जब ये पेमेंट ऐड कर पाएंगे, बैलेंस ऐड कर पाएंगे, क्योंकि फेसबुक में ये होता है पहले अमाउंट ऐड करना पड़ता तब जाके ऐड चलता है। अब पहले आप अमाउंट को ऐड करो, अगर एक बार क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया, आप कंपनी में भी कॉल कर लो लेकिन आपका कार्ड नहीं हटेगा, और क्रेडिट कार्ड से ये रिस्क होता है कि अगर आपने कितना भी ऐड चला लिया आपका अगर बिल आ गया तो आपको बिल पे करना पड़ेगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा, वो रिस्की होता है। कभी भी क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने अकाउंट में कभी भी क्रेडिट कार्ड मत ऐड करना फेसबुक ऐड में। हाँ, अमाउंट को ऐड करना फेसबुक ऐड में, अगर अमाउंट को ऐड करोगे वो डायरेक्टली जितना ऐड चलेगा उतना अमाउंट आपका स्पेंड होगा, बाकी अमाउंट आपका रिमेनिंग आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा।
इसमें ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड ऐड करने में इतना कोई रिस्क नहीं रहता। क्रेडिट कार्ड जब जो आदमी प्रॉपर यूज करना जानता है वो क्रेडिट कार्ड में फेसबुक अकाउंट की लिमिट भी डाल सकता है कि भैया मेरा कभी भी इससे ज्यादा बिल ना आए। ठीक है, नहीं सर लिमिट डाल सकते हैं, लेकिन बाय चांस अगर एक बार ऐड चला के अगर हम भूल जाते हैं, जैसे बाय चांस अगर कभी कभी भूल जाते हैं ऐसा हो जाता है तो क्या करता है? वैसे मेरे हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड वाला जो आदमी रहता है ना उसकी हिम्मत तो नहीं होती भूलने की, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड वाला नहीं भूलेगा। हाँ जी सर, दो मिनट, मेरा क्वेश्चन सर आकाश सैनी बोलिए। सर जैसे फार्मेसी से रिलेटेड अगर हम गूगल पे सर्च एड चलाते हैं तो वो क्यों नहीं चलती? फार्मेसी से रिलेटेड देखो गूगल की कुछ पॉलिसीज होंगी, ठीक है, उन पॉलिसीज को आप अच्छे से पढ़ना हो सकता है, अगर आप उसी कोई पॉलिसी वॉलेट कर रहे होगे तो नहीं चलेगा ऐड। सर उनकी पॉलिसी है कि हम एडिक्शन से रिलेटेड मीन जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं वो लोग ऐड नहीं चला सकते हैं। वही ऐड मैं चलाने की कोशिश कर रहा था मगर मेरा नहीं चल रहा था, बट उसी जगह पे मैंने बहुत सारे दिल्ली में ऐसे जो भी फार्मेसी कंपनी है जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है उनके ऐड क्यों चल रहे, मेरे क्यों नहीं चल रहे हैं? तो देखो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। आकाश सैनी देखो इस ये वाला आपका जो वाला जो मैटर है ना वो बहुत ट्रिकी है, ठीक है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि एक न्यूज आई थी जिसमें एक आदमी ने अपने बच्चे का बॉडी पार्ट का फोटो खींच के अपलोड किया था, तो गूगल ने उसको बैन कर दिया था और उसकी सारी आईडी ब्लॉक कर दी थी। गूगल ने उसको कंसिडर कर लिया था कि वो अंडर एज सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो एक फादर था जो अपने बच्चे का ऑनलाइन इलाज कराने के लिए उसका जो स्किन इन्फेक्शन था उसकी फोटो खींच के उसने अपलोड करी थी, पर ये आर्टिफिशियल एआई उनका जो रहता है उसने उसको गलत तरीके से डिटेक्ट कर लिया। तो अब ये वही बातें हैं कि वैसे तो फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड चीजें नहीं चला सकते, लेकिन अगर आप चालाकी से रिलेटेड ना बहुत सारी चीजें से नहीं चला सकते, लेकिन अगर आप उसमें कोई ऐसी चालाकी कर पाते हो तो आपको करनी पड़ेगी। और ये चालाकी आप तभी कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें नहीं चल रही, 100 तरीके नहीं चल रहे, तब आपको एक बार तरीका पता चलेगा। हाँ बोलो। प्लस ये भी है कि गुजरात में जो सूरत है ना, हाँ, उसके अंदर फ्रॉड का चल रहा है, मतलब कि वो सब मेडिसिन की वेबसाइट बनाते हैं और फिर यूएस कनाडा वहाँ पे $3-4 में वो मेडिसिन बेचते हैं, मतलब कि ऑर्डर आ जाता है, पेमेंट भी आ जाता है, फिर उसके बाद वो मतलब कि प्रोडक्ट भेजते नहीं है, ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, ये सब ई कॉमर्स और मेडिसिन में बहुत चल रहा है, तो इसलिए गूगल ने भी स्मार्ट हो गए। नहीं, गूगल स्मार्ट वाली बात नहीं, गूगल की तो पहले से पॉलिसी है, बहुत सारी चीजों में वो सेंसिटिव रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दूसरों के ऐड चल रहे हैं आपके नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। दिमाग आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप यही जाके देख लो कि दूसरे लोग क्या कीवर्ड यूज करके ऐड चला रहे हैं, और दूसरा तरीका फिर आप खुद कीवर्ड तो मैंने चेक किया, जो कीवर्ड वो यूज करे वही कीवर्ड मैं भी यूज कर रहा था, जैसे जैसे हेडिंग्स वगैरह वो लोग यूज कर रहे थे सेम चीज मैंने की फिर भी नहीं चला, ऑल टोटल कॉपी करके देखो। इसमें ऐसा है कि गूगल किसी का दुश्मन नहीं है, सब जगह कंप्यूटर ही काम कर रहा है, कोई सा आपकी वेबसाइट आपके ऐड या आपके कीवर्ड से कोई सा ऐसा सिग्नल आ रहा है पॉलिसी वायलेशन को ट्रिगर कर दे रहा है, तो इसको यूज करने का कोई और तरीका नहीं है? मींस मैं ऐड चलाना चाहता हूं, तो वो उसको चलाने का कोई और तरीका नहीं है? अरे वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, तरीका उसका कुछ नहीं है। अब अगर आपके दूसरे लोगों के ऐड चल रहे हैं इसका मतलब उनने कुछ तो ऐसा कर रखा है जिससे गूगल का जो है सिक्योरिटी, और वो नोटिस की वो जितने भी ऐड चले वो केवल दो एजेंसी चला रही है और उसके सिवा किसी और एजेंसी ने उस एड्स में हाथ नहीं डाला है। हाँ तो वही उसमें है ना कोई स्मार्टनेस वाली बात है। अब देखो मैं उस फील्ड का तो नहीं चलाता हूँ, लेकिन चालाकी वाली बातें होती है, जैसे कि फेसबुक में बहुत सारी चीजें है ना कि जो नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे फेसबुक जो है आपको फाइनेंशियल या पैसों से रिलेटेड या सर इसमें बहुत इनको सीखना पड़ेगा ट्रिक, मतलब हाँ ये जो ट्रिक है ये कोई सिखा भी नहीं सकता, ये तो आदमी खुद ही एक्सपीरियंस करके सीख जाता है ऐसी ट्रिक, ऐसा भी नहीं कि नहीं, अभिषेक जी मैं आपको बता दूं। हाँ बोलिए अभिषेक जी,
मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कतें आ रही है, जो अभी अक्षय सैनी बोल रहे थे, ऋतिक कुमार बोल रहे थे कि ये ट्रिक सीखनी चाहिए, ये बात बराबर है, लेकिन जैसे कि कोई दूसरी एड चल रही है आप बता रहे हैं और अपनी नहीं चल रही है, तो जो नए नए हैं हम लोग जो फर्स्ट टाइम ये चीज कर रहे हैं, तो उसको फाइंड कैसे करे, कैसे फाइंड हो जाएगा? अजी आप ये, भी बता रहे हैं क्योंकि यू आर ए एक्सपीरियंस पर्सन। नहीं मैं बता रहा हूँ, आकाश सैनी का जो केस है ना, कि वो बोल रहा है कि मैं वही एड चला रहा हूँ, नहीं चल रहा, दूसरे लोग चला रहे हैं, तो ये काम फर्स्ट टाइम वाला तो नहीं कर सकता, ठीक है? ये काम तो वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने बहुत सालों से इसी के पीछे पड़े हुए हैं और बहुत बार उनको दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब वो सीख गए हैं कि गूगल को बेवकूफ कैसे बनाना है। ऐसे फेसबुक में भी बहुत सारी चीजों से बेवकूफ बनाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे पास एक का फोन आता है, वो बोलता है कि आप लोगों ने सुना होगा वो फोन आते हैं लोगों के पास कि आप लोन ले लो, लोन की डिटेल वगैरह हम भरते हैं, फिर फ्रॉड हो जाता है। यस सर। तो वो जो फ्रॉड वाले होते हैं ना, वो फ्रॉड वालों का मेरे पास फोन आता है कि सर मेरा एड नहीं चल रहा है, मेरा दोस्त ने करोड़ों रुपए कमा लिए फ्रॉड करके। तो वो मेरे से ये हेल्प चाह रहा है कि वो फ्रॉड कर पा रहा है, मेरे को भी फ्रॉड करना है, लेकिन फेसबुक मुझे ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है? तो अब उसके साथ भी वही सिचुएशन है। मैंने बोला देखो जो काम तुम कर रहे हो, जो काम तुम्हारा दोस्त कर रहा है, दो ही चीज फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से तो अगेंस्ट में ही है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने कुछ ऐसी चालाकी कर ली है, वो बोल ऐसी चालाकी कर ली जिस कारण से या तो वो ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, या तो फिर ट्रिगर हो रहा है तो उसके पास इतनी सारी चीजें हैं। मैंने बोला ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे दोस्त के पास 100-200 अकाउंट हो, 100-200 पैन कार्ड हो, 100-200 मोबाइल नंबर हो, तो बोलता है कि सर वो तो करोड़पति, उसके पास तो ये सारी चीजें होंगी। तो मैंने बोला बस यही होगा, बाकी तो आप नया अकाउंट बनाते हो, फेसबुक आपको 4-6 दिन तो चलाने देता है, सारे गलत काम करने देता है, फिर उसके बाद बंद होता है। 4-6 दिन में तुमने फ्रॉड कर लिया, फिर वापस दूसरा नंबर, दूसरी आईडी, दूसरा पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। तो इस अब ये सारी चीजें तो मैं नहीं सिखा सकता, ये सारी चीजें तो जो आदमी उसी फील्ड में फंसा हुआ है और जुगाड़ में लगा हुआ है वही कर पाता है। गूगल एड्स में एड लाइब्रेरी कैसे करते हैं? सपोज मैं स्पेसिफिक मैं अगर बेड बेड पे एड दूं तो मैं कैसे दूं, लाइक ट्रैफिक कैसे सिलेक्ट करो और सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करो? देखो नूरुल, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने गूगल एड्स का कोर्स अच्छे से किया नहीं, और अगर किया है तो आप भूल गए हो। तो आप पहले गूगल एड्स के वीडियोस को अच्छे से देख लो, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि आपको फेसबुक एड्स का आइडिया है पर गूगल एड्स का नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ आप ठीक बोले, है ना? तो आपको पहले वीडियोस देखने पड़ेंगे गूगल एड्स के, और फेसबुक एड्स को थोड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा, तब आपको गूगल एड्स थोड़ा समझ में आएगा। नेक्स्ट, हाँ रचना बोलिए। हाँ सर, फेसबुक एड में जो आपने फेसबुक पिक्सल जो बताया है, आपने जैसे वीडियो में बताया कि वो एक चौकीदार है, जैसे हमारी वेबसाइट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस टाइप की ऑडियंस का वो हमें बताता है, उसका जो कोड होता है। तो सर ये जो ऑडियंस का जो डाटा है ये हमें पता कैसे चलेगा, ये शो कहाँ होता है? ये देखो ये शो कहीं पे भी नहीं होता, इसका बस इस्तेमाल होता है। फेसबुक आपको ये नहीं बताता है कि अभिषेक सिंह ठाकुर नाम का आदमी आपकी वेबसाइट पे 3 बार आया, फेसबुक आपको सिर्फ इतना बताता है कि 3 बार एक आदमी आया। अब वो अभिषेक आया कि अंकुर आया, कौन आया, ये नहीं बताएगा। और लेकिन अब आप obviously सर कैसे बताएगा, क्योंकि जब आपका आप सपोज करो कोई एक अननोन पर्सन अगर वेबसाइट पे जाता है, उसने जब तक अपनी डिटेल्स ही ऐड नहीं करी तो नहीं ऐसा कुछ उससे पहले कैसे बता दे? धर्मेंद्र ऐसा कुछ नहीं है, फेसबुक को सब पता है, फेसबुक को तो ये पता है कि अभिषेक सिंह ठाकुर आया 3 बार, वो बस आपको नहीं बताता क्योंकि वो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आता है। जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे तुम्हारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करूं। देखो मैं अगर तुम्हारी वेबसाइट पे गया हूं तो मैं अपने ब्राउजर से गया हूं, ठीक है? मैंने अपने ब्राउजर में खोली तुम्हारी वेबसाइट, और मेरे ब्राउजर में तो मैं पहले से लॉग इन, समझ रहे हो आप बात को? तो मेरे ब्राउजर की डिटेल ही तो आपकी वेबसाइट में सेव होती है, उसी को तो हम कुकीज कहते हैं। जैसे कि आप क्रोम में हो तो आपके क्रोम में आपका जीमेल खुलता है ना, आपका पहले से लॉग इन रहता है, वही डिटेल तो वहां पे उठा लेता है। बस ये है कि वो आपको बताता नहीं है कि ये इस आदमी का ये ईमेल नंबर है, ये सारी डिटेल पता रहती है। जैसे गूगल को भी सब पता रहता है कि कौन आदमी आया, कौन सी जगह से आया, क्या काम करता है, सब पता है। यूजर को नहीं बताते हैं ऐसा, वो बस यूजर को इतना बताते कि इतने लोग आए और ये लोग इतना इंटरेस्ट वगैरह। ये सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। उमेश बोला सर मैं। हाँ उमेश बोलिए।
सर सबसे पहले तो फिर से थैंक यू कि आपने वो जो गूगल सिक्योरिटी वाला बताया था ना, मैंने अपने सर को बताया। अच्छा, तो वो उन्होंने यूज करा और वो कह रहे कि यार ये तो मतलब बिल्कुल अजब चीज है, कह रहा है ये एक ऐसा पासवर्ड जनरेट हो रहा है कि जो मुझे खुद को नहीं पता, तो कि मेरा तो अकाउंट हैक होने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो मुझे जॉब में भी मतलब एनकरेजमेंट मिला है कि भाई ठीक है यार उमेश कुमार अच्छा काम कर रहा है, तो हो तो बिहाइंड आप ही। खैर मुझे तो खैर ये सब कुछ पता भी नहीं था कि गूगल की नाम जैसी कोई चीज भी होती है। हाँ, गूगल तो उसके। और दूसरी बात, जैसे कि गूगल डाउट क्लास है, तो सर मैं देखो आपके लिटरली बताऊं तो मैंने गूगल ऐड अभी तक रन नहीं करा है, मैंने फेसबुक ऐड पे ही मैं काम कर रहा था। अच्छी तो बात। लेकिन मुझे गूगल ऐड के बारे में मेरा एक डाउट है कि जैसे गूगल ऐड पे आप जो कीवर्ड सर्च करते हो, कीवर्ड बनाते हो, हाँ? तो मुझे अपनी प्रिंटिंग के लिए बनानी है। आपने जो लास्ट टाइम मुझे जो उसमें कोर्स में बना के दिखा रखी है, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बना के दिखा रखी है, जिसमें कि दीपक कुंकराजू और भी जैसी चीजों के ना आपने नाम लेके ऐड करके बता रखे हैं। अगर मुझे प्रिंटिंग से रिलेटेड बनाने हो तो वो कैसे बनेंगे सर? अरे तो वो वैसे ही बनेंगे जैसे उसमें बता रखा है, बस आपको जो प्रोसेस करनी है ना उसमें आपको प्रिंटिंग वाला शब्द का यूज करना है, बाकी तो गूगल ही आपको कीवर्ड निकाल के देगा। उनकी कीवर्ड को पढ़ के आपको समझना है कि वो कीवर्ड कहना क्या चाह रहे हैं। वो आपने किया सर, तो जैसे आपको ऐसा लग रहा है जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने दूसरे वर्ड से बताया तो मेरे को इस वर्ड में भी कोई करके बताया, प्रोसेस सेम है, मतलब बस वर्ड बदल जाए। तो सर जैसे आपने शैमरू वगैरह के जो पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उसका मेरा कोई लेना नहीं, अगर मैं पेड ना लूं अभी फ्री में अगर काम करूं? कोई इतना कोई जरूरी नहीं है अभी इतनी अर्ली स्टेज पे, तुमको पेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या वो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है ना कि तुमको अभी समझ में भी नहीं आएंगे। हाँ यही चीज मैंने समझ, अभी जिस स्टेज पे तुम हो अभी तो पहले खुद ही जितना बताया गया उतना प्रैक्टिस कर लो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी होगी उसके बाद तुम टूल्स पे जाना, क्योंकि टूल्स भी इतने ही कठिन रहते हैं जितना गूगल एड्स। अच्छा देखो, अपना कल रात को भी 9 बजे लाइव रहेगा, सैटरडे संडे अपन ने लाइव डिसाइड किया है, ठीक है? सब लोगों की वोटिंग के आधार पे सैटरडे संडे रात को 9 बजे हम मिला करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह उनको हम डिस्कस किया करेंगे। तो अभी आज का टाइम खत्म हो गया है, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम कल रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे, ठीक है? कल अपन फेसबुक का डिस्कशन कर लेंगे।